जैसलमेर की बहुचर्चित जिला कलेक्टर टीना डाबी के घर में नया मेहमान आने वाला है। राजस्थान के जैसलमेर जिले की जिला कलेक्टर टीना डाबी हमेशा अपने अलग अंदाज के लिए सुर्खियों में बनी रहती हैं। टीना डाबी के फैन फॉलोइंग की लिस्ट भी किसी से कम नहीं है। एक बार फिर टीना डाबी के फैंस के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। जैसलमेर की बहुचर्चित जिला कलेक्टर टीना डाबी के घर में नया मेहमान आने वाला है। आगामी सितंबर महीने में टीना अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली हैं। उनके प्रशंसकों के लिए काफी खुशियों वाली खबर है। वर्तमान में प्रेगनेंसी को देखते हुए जैसलमेर की जिलाधिकारी ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि उन्हें जयपुर में फिलहाल नॉन फील्ड पोस्टिंग दी जाए, उसके बाद वे आगामी दिनों में मैटरनिटी लीव पर जाएंगी। बीते साल अप्रैल में आईएएस ऑफिसर प्रदीप से शादी करने के बाद टीना डाबी सुर्खियों में आई थी। टीना डाबी के गर्भवती होने का खुलासा उस समय हुआ था जब वो अपने जिले में विस्थापित पाकिस्तानी नागरिकों से मिलने पहुंची थी। दरअसल पाकिस्तान बुजुर्ग महिलाओं ने कलेक्टर टीना डाबी को बेटा होने का आशीर्वाद दिया था। इस पर टीना डाबी खिलखिलाकर हंस पड़ी और उन्होंने कहा कि वे बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं समझती, लेकिन पाकिस्तानी विस्थापित महिलाएं उन्हें लगातार बेटे होने का आशीर्वाद दे रही थी। सरकार को लिखा छुट्टी के लिए पत्र। वहीं दूसरी तरफ जिला कलेक्टर टीना डाबी ने अपने प्रेगनेंसी की पुष्टि करते हुए राज्य सरकार को पत्र लिखकर राजधानी जयपुर में नॉन फील्ड पोस्टिंग देने का आग्रह किया है, ताकि इस परिस्थितियों में काम का ज्यादा प्रेशर ना हो। जल्द आएगी ट्रांसफर लिस्ट। टीना डाबी ने कहा कि आगामी 2 से 3 दिन में आने वाली ट्रांसफर लिस्ट में उनका नाम आने की संभावना है। जब तक ट्रांसफर लिस्ट नहीं आती तब तक वो जैसलमेर कलेक्टर का काम करती रहेंगी। घर का सामान जयपुर भेजा। जानकारी के अनुसार कलेक्टर टीना डाबी ने जैसलमेर से जयपुर जाने की पूरी तैयारी कर ली है। महिला अधिकारी ने अपना घरेलू सामान भी पैक करके जयपुर भिजवा दिया है। आईएएस टीना को उम्मीद है कि 1 से 2 दिन के अंदर ही उनके ट्रांसफर के ऑर्डर आ जाएंगे। फिलहाल वो अपने घर में बने दफ्तर से जरूरी कामकाज और फाइलों का निस्तारण का कार्य कर रही हैं, साथ ही जरूरी मीटिंग्स में भी हिस्सा ले रही हैं। पिछले साल ही जैसलमेर कलेक्टर बनी थी टीना डाबी। बता दें कि जैसलमेर में भी कलेक्टर के पद पर रहते हुए आईएएस टीना डाबी ने कई बेहतरीन कार्य किए हैं। खासकर डेजन फेस्टिवल के आयोजन में भी कई नवाचार कर देसी विदेशी सैलानियों को आनंदित कर दिया था। महिलाओं और पर्यटन के लिए किए कई काम। इसके अलावा जैसलमेर में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने और महिला शिक्षा को बेहतर बनाने के साथ कई कुर्तियों को समाप्त करने के लिए दिसंबर महीने से 3 महीने के लिए एक विशेष अभियान भी आयोजित किया था, जिसके भी परिणाम काफी पॉजिटिव रहे थे। इसके अलावा अन्य कई बेहतरीन कार्यों में कलेक्टर डाबी ने जैसलमेर में अपनी छाप छोड़ी है। गौरतलब है कि जिलाधिकारी टीना डाबी सोशल मीडिया में बहुत पॉपुलर है। बड़ी संख्या में सोशल मीडिया यूजर्स उनको फॉलो करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।